हनुमान जी माता है उसको जीवित रखने के लिए जो प्रयास किए हैं, गोबर मिट्टी आज की जो पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो गोबर के हाथ लगाना भी पसंद नहीं करती। क्यों जी? बिल्कुल। और ये वो मान हस्तियाँ हैं जो अपनी माँ दुर्गा जिसमें कहा करते हैं, जिस टाइम पर फोटो नहीं हुआ करते, जिस टाइम पर कोई कैलेंडर नहीं हुआ करते, जिस टाइम पर कोई न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते, उस टाइम पर अपनी जो माँ दुर्गा है उसके प्रतीक बना के गोबर से मिट्टी से जो चीज़ें उस टाइम पर अवेलेबल हुआ करती उन चीज़ें से बना के साझी होता इन लोगों ने प्रदर्शित की है और कॉम्पिटिशन में भाग लिया है। तो मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आप देखिए जो भी साझी मिट्टी से बना लेते हैं जो भी आप लोग बाजार में तो कितनी अच्छी चीज है ईद जो है साझी नवरात्रि शुरू हुई तो आप लोग अपने घर में भी साझी कर लेंगे कल की पीढ़ी हमसे पूछे सांझ क्या थे हम बता सके सांझी क्या हो सके नाम भी पहली बार सुना बनाई भी पहली बार है देखी भी नहीं कभी नाम भी नहीं सुना कैसा लगा आप लोगों को भाग लेके पार्टिसिपेट करके और मेरे ख्याल से आपने पूरे मजे करे होंगे बस उतना ही है मिल गए बहुत अच्छी लगे हम इतने बच्चे देख रहे थे इतना काम है फिर भी हमने टाइम निकाला बहुत काम है इतने सूखे रखते हैं बच्चे भी है फिर भी टाइम निकाल कर ना है आठ आठ बच्चे हैं हमारे तीनों के दस दस दिन है तो आने वाली पीढ़ी नहीं है मेरा सब देख के 1.5 लाख रहे हो आप खुशान जी माता है इनकी और इनकी एक खास बात यह है कि ये जो माता है सांझी जिसको बनाने में एक दिन अगर हम कहें तो बहुत कम पड़ जाता है एक दिन और इन लोगों ने रात रात भर जग के सितारे दो दिन पहले मम्मी ने सूखना और सूखे सूखने के बाद लेके आना और फिर इनको यहाँ पे गोबर पे चुका एक बड़ा चैलेंजिंग काम है जो कि मैं कर दिखाया अरे के सारे सितारे निकले हुए बिना टूटे हैं और ये जो सांझी माता का मुँह है हाथ है झोपड़िया जिससे मुँह लग रही है ये सच में काबिले तारीफ है और सच में हमारी जो संस्कृति है उसने बचाने का काम आप लोग कर रहे हो धन्यवाद आप लोगों का बहुत हमारा गांव राजस्थान राजस्थान में जैसे नानक साझी राजस्थान है अच्छा अच्छा बेलगाड़ी क्या जीत की कोई बात नहीं आपने स्वस्थ करती किया बेटे की मम्मी ना चाहते तो छोटे स्थान का बड़े स्थान आज अब जाना तो पीछे बच्चा भी पूछेगा एकदम कॉम्पिटिशन का माना विकास आने भी बढ़ा के देश का बता सका हमारे भी सासू को पता नहीं है तो मम्मी मम्मी ने फोन में देख के बना ली कैसे बनाती है लेकिन आप लोगों ने इतनी बढ़िया बनाई है राजस्थान का टच दे दिया उसमें ऊंट बनाया आपका काम तो आपका ही होता है आपके देश की शादी है आपके देश की थोड़े बताओ बिल्कुल अपने देश की थोड़े बहुत नहीं हम तो चाह रहे थे अब पता चला कि आप राजस्थान से राजस्थान की सांझी तो और भी बढ़िया मैंने हमने नाम ही नहीं सुना हम लोगों का जो ओरिजिन है हम जो आए हैं हम राजस्थान से हरियाणा में आके बसे हैं हरियाणा तो जंगल प्रदेश था यहाँ तो सारा जंगल था हम तो आए ही राजस्थान से यहाँ बसे तो एक्चुअल में अगर देखा जाए हमारा जो ओरिजिन है वो राजस्थान से जिला हम भिवानी से हम नहीं राजस्थान में तो
अब क्या पता कब कोई दुनिया से हमारे साथ के लिए राजस्थान मतलब राजस्थान नहीं हम अपने हरियाणा में ले आए हैं राजस्थान के सोचते थे हरियाणा में फैला के कोई भी कंपटीशन ना हम आके रहते हैं काम करके भी इसीलिए आप लोगों के नंबर और नाम लिए हैं ताकि कोई भी कंपटीशन हो कंपटीशन के पीछे नहीं हटते आज नहीं है देखो यो क्रेज जो है और ज्ञान भी तो दिखाना हमने यो दिखाना राजस्थान में यो बिल्कुल ये इधर एक बार फेस करो यो बिल्कुल अच्छा जेठ जी है जेठ जी में थोड़ा पल्ला भी पड़ा है भाई बस जेठ जी चाहो तो थोड़ा सा मुझे नहीं हो सकता लेकिन यो यो सच में जो हमारा अपना हरियाणा है ना यो वो हरियाणा है और इस जज्बे ने बनाए रखो जीवंदे रहो और यूं अपनी संस्कृति से जुड़े रहो अपनी जड़ा से जितने जुड़े रहेंगे उतने समृद्ध होंगे उतने खुशहाल होंगे और उतना ही हम अपने देश का नाम ऊंचा कर पाएंगे धन्यवाद।